नमस्कार दोस्तों, सी जी बी एड का रीजनिंग पार्ट का हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। इस वीडियो में कौन सा सही आंसर रहेगा और किस प्रकार से रहेगा। दोस्तों अगर फिर भी कोई प्रश्न का आंसर गलत लगता है कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें सभी तक। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से सही समीकरण के 10 के बराबर होगा, तो इसको हल करेंगे दोस्तों डी आएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, दिए गए चित्र में पासे के अलग स्थिति दी गई, एक के विपरीत कौन सा सतह आएगा, तो एक के विपरीत दोस्तों 2 आएगा, यहाँ पर आंसर ए आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर 9 × 7 = 32 है तो इस प्रकार दोस्तों 19 × 11 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 240 आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 9 का स्क्वायर करना है, फिर 7 का, फिर दोनों को आपको दोस्तों अंतर कर देना है, तो 32 आएगा। इसी प्रकार से इनको भी करेंगे। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, दिए गए श्रृंखला में कौन से गलत पद की पहचान कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न मुझे समझ से बाहर हो गया था, इसलिए दोस्तों इनका आंसर 38 हो सकता है शायद, जहाँ तक भी हो। फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, पाँचवें में ओ का ऑप्शन को दर्शाता है, डब्लू किसे दर्शाएगा, तो विसर। इस प्रकार दोस्तों फिर यहाँ पर दिए गए आयतों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 8 आएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, दिए गए 4 शब्दों में 1 शब्द अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर दोस्तों सी आएगा, डॉलर, एन, फ्रेंच। इस प्रकार दोस्तों फिर अगला प्रश्न होते हैं, जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के अंतर के समान है, तो यहाँ पर दोस्तों सी आएगा, सी क्योंकि आएगा दोस्तों यहाँ पर 7 और 3 को घटाएंगे और 15 और 7 को घटाएंगे, उसी प्रकार से सी को घटाएंगे तो इसमें भी समानता आ रहा है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, 9 को रिक्त स्थान को भरिए, तो यहाँ पर 45 आएगा दोस्तों, 5 से भागित करेंगे, फिर 5 से तो 5, इस प्रकार से आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 4 से इनको भागित करेंगे, इस प्रकार के 9 × 3 को 45 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर दोस्तों दिए गए श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर 25 आएगा। फिर दोस्तों इन 11 को का आंसर सी आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सभी को दोस्तों आपको लिखना है, फिर उलट देना है, तो इनका मान 52, 46, 39, 27 आएगा। फिर सही उत्तर क्या है दोस्तों, इनको आपको चयन करना है, तो यहाँ पर सी आएगा। और 13वें का दोस्तों अगले इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3/2 डी आएगा। यहाँ पर दोस्तों दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या छिपी हुई, तो यहाँ पर 38 आएगा, 38 यहाँ पर दोस्तों 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 और बने हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 30। फिर यहाँ दोस्तों 8 बन जाएगा। फिर दोस्तों इस प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिए गए चित्र में 6 सतहें दर्शाई गई है, यहाँ पर दोस्तों इनका आंसर देखें तो यहाँ पर डी आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, पीट नेक टॉम का अर्थ है ऑरेंज इज येलो, तो यहाँ पर पीट का अर्थ होता है दोस्तों ऑरेंज। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि ए बराबर 5:5 बी का 5:6 है तो इसका आंसर हल करेंगे तो 1:5 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को दिए गए 4 समूह में 1 अलग नंबर है, तो यहाँ पर सी आएगा या दोस्तों बी, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इसी वजह दोस्तों आप इनको कोई भी देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, 19वें का इनका आंसर दोस्तों बी आएगा, सभी यानी कि यह एक बंद वृत्त है, यह एक खुला है, तो इस प्रकार दोस्तों बी आएगा इनका। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखें, पॉकेट को इस प्रकार से लिखा गया है, तो -5, -4, -3 करते हुए आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ए आएगा इनका आंसर। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 21वें का, तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें इनको, तो यहाँ पर दोस्तों सी से या डी, इन दोनों में कोई भी एक आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान को भरिए, तो यहाँ पर ए आएगा 8। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, दोस्तों यह प्रश्न मुझे समझ ही नहीं आया, इसी वजह दोस्तों इनका आंसर आपको कमेंट में देना है अगर आपका बना हुआ है तो। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, इस पर फाइल और इस प्रकार से डी ड का क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो अंतिम अक्षर क्या होगा, तो ई और एच आएगा दोस्तों। यह एक लाइफ बनेगा, लाइफ का इसमें ई लास्ट आ रहा है, तो यही बी आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 25वें का आंसर दोस्तों इस प्रकार से इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को दोस्तों 26वें का 64 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 9 के स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आएगा। इस प्रकार से 606 आंसर आएगा। यहाँ पर दोस्तों 28 के यहाँ पर 63 आएगा आंसर। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों 49 आएगा, ये इसको हल करेंगे 30 को दोस्तों यहाँ पर 2 आंसर आएगा। इस प्रकार दोस्तों सी जी बी एड का गणित का रीजनिंग का मॉडल आंसर की था। फिर भी दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर गलत लगता है तो कमेंट करके सही करें। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें।